माफिया पतियों के जेल जाते ही बीवियां बनी जुर्म की मास्टरमाइंड। पति है जेल के अंदर और बाहर पत्नियों ने संभाली गैंग की कमान। पतियों के बाद अब माफिया पत्नियों का भी होने वाला है तगड़ा इलाज। कहते हैं जुर्म की दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। ऐसे में अगर कोई माफिया जेल जाता है तो वो अपने गैंग की कमान किसे दे, ये उसके लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब राज्य में माफियाओं का खात्मा करने का बीड़ा उठाया, तब से यूपी के कई डॉन मुश्किल में आ गए हैं। मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी, अतीक अहमद, हर कोई सलाखों के पीछे है। ऐसे में इनका माफिया राज गिरता देख अब इनकी पत्नियों ने उठा ली है गैंग की कमान। इन माफियाओं की पत्नियां बन चुकी हैं उत्तर प्रदेश के क्राइम की मास्टरमाइंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर एक, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता। सबसे पहले बात शाइस्ता की। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी है। अतीक अहमद के तीन बेटे जेल में बंद थे, दो बेटों का कोई पता नहीं था। अतीक का दूसरा सबसे करीब भाई अशरफ भी जेल में बंद था। अब ऐसे में गैंग की जिम्मेदारी उठाई अतीक की पत्नी शाइस्ता ने। जब तक अतीक अहमद जेल से बाहर था तब तक पत्नी घर संभाल रही थी। अब पति और बेटों की गैर मौजूदगी में अतीक अहमद गैंग के सभी बड़े फैसले शाइस्ता ही लेती। यहाँ तक कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता ने ही अतीक अहमद, भाई अशरफ और बेटे असद के बीच कड़ी का काम किया था। वो खुद जाकर अतीक के गुर्गों से मिली थी और मर्डर की पूरी प्लानिंग हुई थी। इस बात का वीडियो भी सामने आया था जिसके बाद ही शाइस्ता के ऊपर यूपी पुलिस ने इनाम घोषित किया। नंबर दो, अब्बास अंसारी की पत्नी निखत। पति के काम को कैसे देखना है ये कोई निखत बानो से सीखे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी से निखत ने लव मैरिज की थी। अब जबकि पति जेल में बंद है तो पत्नी ने जिम्मा उठा लिया उसके काले कारोबार को देखने का। यहाँ तक कि वो पति को कंपनी देने के लिए उसकी जेल में ही पहुँच गयी। निखत बानो जेल में महीनों तक पति के साथ रंगरलिया करती हुई पकड़ी गयी थी। जेल के कमरे में वो रोज जाती थी, पति के साथ मौज मस्ती करती और वहीं साजिश रची जाती अंसारी गैंग के आगे के काले कारनामों की। निखत ने ही जेल कर्मियों को रिश्वत देकर ये खेल रचा था। पति की गैर मौजूदगी में वो ही गैंग के दूसरे लोगों से मिलती थी और पति अब्बास को जेल से बाहर निकालने की साजिश रच रही थी। निखत के फोन से विदेशों में भी लगातार बात हो रही थी। यहाँ तक कि अब्बास को छुड़ाने के लिए निखत के दाऊद कनेक्शन का भी जिक्र सामने आया था। निखत ने चित्रकूट में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष से मिलकर ये सारी प्लानिंग की थी। निखत और उसका ड्राइवर मिलकर इस काम को अंजाम दे रहे थे। और नंबर तीन, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी। डॉन की पावरफुल पत्नियों में तीसरा नाम है अफशा अंसारी का। यूपी के खतरनाक माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा ने भी पति के जेल जाने के बाद अंसारी गैंग के आपराधिक साम्राज्य की कमान संभाली। अफशा पर अपने भाइयों के साथ मिलकर दलितों की सैकड़ों एकड़ जमीन डरा धमका कर अपने नाम करवाने के आरोप लगे हैं। यूपी पुलिस ने अफशा पर गैंगस्टर एक्ट लगाया। इसके अलावा एडी को भी उनके अकाउंट में बड़ा फर्जीवाड़ा मिला। पिछले साल अफशा ने अपनी आय करीब 12 लाख बताई थी जबकि उनके अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन की ट्रांजेक्शन सामने आई थी। दरअसल विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से अफशा अपने भाइयों के साथ मिलकर एक कंपनी चला रही थी जिसका मकसद काले धन को सफेद करना था। अफशा पर पहले भी जेल में अपने पति मुख्तार का साथ देने के आरोप लगते रहे हैं। जब जब मुख्तार अंसारी जेल में गए तो अफशा अवैध तरीके से महीनों तक जेल में रही। वो मुख्तार अंसारी के गैंग और मुख्तार के बीच कड़ी का काम करती थी। पंजाब की जेल में सालों तक ये सिलसिला चलता रहा था। अफशा के पास भी खुद एक लाइसेंसी पिस्टल थी जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। गैंग के लोगों से मिलना, उन्हें निर्देश देना और मुख्तार के संदेश उन तक पहुंचाना, ये सारा काम अफशा ही करती थी। तो ये थी वो पत्नियां जो डॉन से कम नहीं है माफिया पतियों के जेल जाते ही ये किस तरह से जुर्म की मास्टरमाइंड बन चुकी है, ये आपने देख ही लिया होगा। फिलहाल देखना होगा कि इनके पति तो जेल के अंदर है, बाहर ये पत्नियां कब तक गैंग की कमान संभाल पाती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।